फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में एक्शन हुआ है। महिला छात्रावास में डीजे पार्टी आयोजित करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। मामले में चुनाव अधिकारी ने चीफ वार्डन को दिए हैं 3 नोटिस। पहले नोटिस में किसके कहने पर कार्यक्रम आयोजित करवाया यह अहम सवाल पूछा गया है। साथ ही दूसरा नोटिस इस बात को लेकर मिला है कि कार्यक्रम में कितना बजट इस्तेमाल किया गया, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल। साथ ही तीसरा नोटिस जिसमें कार्यक्रम से संबंधित सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले चलाई थी प्रमुखता के साथ ये खबर। तो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले प्रमुखता के साथ ये खबर चलाई थी और उसके बाद ये जानकारी भी सामने आई थी कि चीफ वार्डन पर गाज गिर सकती है। तो अब इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि महिला छात्रावास में डीजे पार्टी आयोजित करने से जुड़ा ये पूरा मसला है। मामले में चुनाव अधिकारी ने चीफ वार्डन को 3 नोटिस दिए हैं। 3 नोटिस के माध्यम से 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। कितना बजट इस पूरी पार्टी में इस्तेमाल हुआ, सीसीटीवी फुटेज, और साथ ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल कि किसके कहने पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये अपने आप एक बेहद बड़ा और गंभीर सवाल, क्योंकि लगातार सवाल इस पूरी डीजे पार्टी को लेकर के उठ रहे थे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए बिल्कुल आयशी, आपको बता दूं कि 19 तारीख को महिला छात्रावास में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास में डीजे पार्टी का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। इसके साथ साथ छात्र भी यहां पर मौजूद थे। दरअसल आचार संहिता के बीच में यह आयोजन किया गया था, जिसको फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद अब चुनाव अधिकारी हरकत में आए, जो चीफ वार्डन है ममता जैन, उनको लेकर से चुनाव अधिकारी ने 3 नोटिस है वो यहाँ पर दिए हैं। उन 3 नोटिसों में सबसे पहले तो कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी किया है, आखिर किसकी परमिशन से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, वो जानकारी उनसे मांगी। उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज दूसरे नोटिस में मांगे गए और कितना खर्चा इस कार्यक्रम पर आया। तो आप पूरे मामले को लेकर चुनाव अधिकारी हैं CSW सजना कालिया हैं, बेहद गंभीर है और इन्होंने चीफ वार्डन को तलब करके बड़ी फटकार भी यहां पर लगाई थी कि इस तरह के आयोजनों पर आगे से भविष्य में ध्यान रखें, कि इस तरह के आयोजन करवाने में पहले चुनाव अधिकारी से परमिशन लें। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से फर्स्ट इंडिया ने जो मुद्दा उठाया था, आखिरकार उसके बाद प्रशासन जागा और लगातार जो चीफ वार्डन के खिलाफ है वो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई यहाँ पर चीफ वार्डन के खिलाफ लगातार भाई जा रही है और ऐसे मसलों में जरूरी भी हो जाता है कि त्वरित एक्शन लिया जाए, क्योंकि चुनाव से जुड़ा पूरा मुद्दा है। तो वही एक जो छात्रावास है, ये महिला छात्रावास है, वहां पर छात्र भी मौजूद और इस तरीके से पार्टी का आयोजन, कई गंभीर सवाल अपने आप में। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में एक्शन हुआ है। महिला छात्रावास में डीजे पार्टी आयोजित करने से जुड़ा ये पूरा मसला है। मामले में चुनाव अधिकारी ने चीफ वार्डन को 3 नोटिस दिए हैं। पहले नोटिस में किसके कहने पर यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है, बड़ा सवाल पूछा गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वही दूसरा सवाल कि कार्यक्रम में कितना बजट इस्तेमाल किया गया। तीसरा नोटिस जिसमें कार्यक्रम से संबंधित सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ये खबर प्रमुखता के साथ चलाई थी। अब उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है, चुनाव अधिकारी के द्वारा चीफ वार्डन से ये 3 अहम सवाल पूछे गए। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में ये बड़ा एक्शन। तो ये बड़ा एक्शन हुआ है। फर्स्ट इंडिया ने खबर प्रमुखता से चलाई थी, उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देखना ये महत्वपूर्ण कि क्या कुछ एक्शन अब आगे होता है, क्योंकि नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस के माध्यम से तमाम सवालों के जवाब पूछे गए। तो वही ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, वही डीजे पार्टी जिसको लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे थे। महिला छात्रावास ये था जहां पर इस तरीके से डीजे पार्टी का आयोजन हुआ और सबसे बड़ी बात, छात्र भी यहां पर मौजूद रहे। आचार संहिता के उल्लंघन की बात यहां पर सामने आई है। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में एक्शन हुआ है। डीजे पार्टी आयोजित करने से जुड़ा ये पूरा मसला है।